गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ। इसमें अब अपने दो संख्याओं वाला गुना करने सीखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, 444 को गुना करना है 23 से। सबसे पहले अपनी इस संख्या को लेंगे, इस संख्या को सबसे पहले इससे गुना करेंगे। 4 3 12 का 2 कैंसिल आ जाएगी, फिर 4 3 12 और 1 13 13 की फिर कैंसिल 1 आ जाएगी, 4 3 12 12 और 1 13। अब ये वाला तो 16 हो गया। अपने यहाँ पे पहली संख्या के नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे, उसके बाद 2 को गुना करेंगे 4 से, 4 2 8, फिर इस 2 को गुना करेंगे इस 4 से, 4 2 8, फिर इस 2 को गुना करेंगे इस 4 से, 4 2 8। इतना सॉल्व करने के बाद अब अपने क्या करेंगे, इनका नीचे जोड़ कर देंगे। ये 2 नीचे कोई संख्या नहीं, तो ये 2 का 2 ही आ जाएगा। ये 3 और 8 11 11 के एक, फिर आंसिल यहाँ पे 1 आ जाएगी। 3 और 8 11 11 का आंसिल वाला 12, ये फिर यहाँ पे कैंसिल आ जाएगी। 8 और 1 9 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें 555 को 22 से गुना करना है। 2 का पाड़ा पड़ेंगे 5 तक, 5 2 10 हांसिल आ जाएगी 1, फिर 5 2 10 10 और 1 11 हांसिल फिर आ जाएगी 1, 5 2 10 10 और 1 11। पहली संख्या के नीचे क्रॉस का निशान, फिर इस 2 को इस 5 से गुना करेंगे, 2 5 10 हांसिल आ जाएगी 1, 2 5 10 और 1 11 फिर हांसिल आ जाएगी 1 10 और 1 11। अब इनका जोड़ कर देंगे, ये 0 1 और 0 1 1 और 1 2 1 और 1 2, और ये 1 अकेला था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 7 तक, 3 7 21 21 का 1 हांसिल आ गई 2, फिर पाड़ा पड़ेंगे 3 का पाड़ा 7 तक, 3 7 21 21 और 2 हांसिल वाले हो गए 23 23 का 3 हांसिल आ गई फिर 2, 3 7 21 21 और 2 23। पहली संख्या के नीचे गुना का निशान, 2 7 14 14 का 4 हांसिल आ गई 1, 2 7 14 14 और 1 15 हांसिल वाला जुड़ गया, फिर हांसिल आ गई 1, 2 7 14 14 और 1 15। अब अपने क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 1 3 और 4 7 3 और 5 8 2 और 5 7 और ये 1। अब आप ये नीचे वाले क्वेश्चन देखिए, इनको आपने खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए इनको।